किसान अंदोलन के हिमायती से सरकार ने शिकंजा कस दिता है। किसानों लिए बस भेजने वाले ट्रांसपोर्टर नोटिस जारी हुए हैं। कौमी जांच एजेंसी तरफ किसान कोल की कवरेज करने वाले पटियाला के सीनियर पत्रकार बलतेज पन्नू अज तारा 160 CRPC तहत नोटिस जारी करके 19 जनवरी NIA के दिल्ली मुख्य दफ्तर में हाजिर होने लिए भी कहा गया है। कौमी जांच एजेंसी तरफों नोटिस 15 दिसंबर 2020 तारा 120B 124A 153A 153B ऑफ IPC तारा 13, 17, 18B ऑफ UA एक्ट 1967 तहत दर्ज किए केस का हवाला दिता गया है। बलतेज पन्नू का कहना है कि बतौर पत्रकार उसने दिल्ली में चल रहे किसानी घोल के हर पक्ष को कवर किया है और खास करके दूसरे सूबे के लोगों वालों घोल में पाए गए योगदान उभारा गया। उसका किसी किसान के नाल कोई निजी नाता नहीं है पर प्राप्त हुए नोटिस में देशद्रोह दी धाराओं का जिक्र है। उन्होंने कहा कि किसान कोल की कवरेज बदले ही यह नोटिस दिता गया जापता है। अजिहा एक नोटिस लुधियाना के ट्रांसपोर्टर ने वीरवार व्हाट्सएप के NIA वालों भेजा गया है। उन्होंने 15 जनवरी दिल्ली स्थित NIA के हैडक्वाटर पेश होने कहा गया है। NIA हैडक्वाटर दिल्ली वाल तो लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर इंद्रपाल सिंह जज ने लिखती नोटिस मिलया है। अजि नोटिस होर लोगों भी मिले ने। ट्रांसपोर्टर ने दसा कि यह नोटिस NIA के इंस्पैक्टर ऑफ पुलिस रवि रंजन वालों 13 जनवरी जारी किया गया। नोटिस में उन्होंने 15 जनवरी 2021 सवेरे 11:30 दिल्ली स्थित NIA हैडक्वाटर पेश होने कहा गया है। उन्होंने दसा कि लुधियाना के नरेश कुमार और जसपाल ने उन्हों की बस किराए पर ली थी। एक महीना उन्हों की बस लुधियाना तो दिल्ली प्रतिदिन किसानों लेके जा रही थी। वो नहीं जानते कि उन्होंने ये नोटिस क्यों भेजा गया है। यह तो हुण NIA के हैडक्वाटर पहुंचने पर ही पता चलेगा। श्रोमणी अकाली दल लीगल विंग के प्रधान एडवोकेट परोपकार सिंह घुमन ने कहा कि इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने दिल्ली के किसान अंदोलन में बस सेवा की है और इस विच कुछ भी गैर कानूनी नहीं। उन्होंने आख्या कि नोटिस में देशद्रोह दी धाराओं का हवाला दिता गया है पर इन व्यक्तियों का अजिहा कोई भी पिछोकड़ नहीं है। उन्होंने मुताबिक होर भी लोगों ने नोटिस आए हैं और वह पूरे मामले को कोख रहे हैं। उन्होंने दसा कि इस मामले की जांच लई सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर की जाएगी।